हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं क्यूब्स निकालना, डिफरेंट तरह के क्यूब्स को, वो भी बहुत जल्दी से निकालना। एक से लेके 100 तक का कोई नंबर दिया हो, आप क्यूब्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए सिखा देते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्यूब को बहुत जल्दी से निकाला जा सकता है? यहां जी हां, बहुत जल्दी से निकाला जा सकता है। ये देखिए कैसे, यहां पे जो हम क्यूब निकालने जा रहे हैं वो 11 से लेके 19 तक के नंबर्स का, कोई भी नंबर का क्यूब निकाल देंगे आप सेकंड्स में। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल शुरू करते हैं 12 से। तो आपने लिख दिया 12, आपने लिख दिया 12 क्यूब। अब आपको इसका क्यूब निकालना है, तो देखिए यहां पे नंबर है 1, यहां है 2। तो सबसे पहला ये लेफ्ट की ओर जो नंबर है 1 लिख लिया, उसके बाद 2 यूनिट प्लेस का नंबर लिख दिया, 1 और 2। अब आप जो ये यूनिट प्लेस का नंबर है, इसी 2 का स्क्वायर करके लिख दीजिए 2 टू ज़ा 4, और इसी नंबर का क्यूब करके लिख दीजिए 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। आई थिंक ये काम तो कोई भी कर सकता है, बहुत आसान काम है, इसके लिए कोई आपको टेक्निक की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलिए आपने क्या किया, फिर से सुन लीजिए। पहले ये नंबर लिखा 1, फिर ये नंबर लिखा 2, और फिर इस नंबर का स्क्वायर करके लिख दिया, इस नंबर का क्यूब करके लिख दिया। अब आप ये कॉर्नर्स के नंबर को भूल जाइए और इन दोनों का डबल करके लिख दीजिए। किन दोनों का? 2 और 4 का, जो मिडिल के नंबर होते हैं उसका डबल करके लिखते हैं। तो 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। तो सबसे पहले आपने 1 लिखा, 2 लिखा, फिर उसका 2 का स्क्वायर किया, 2 का क्यूब किया, उसके बाद लेफ्ट और राइट के दोनों एक्सट्रीम नंबर को छोड़ दिया और इसका डबल 4 लिख दिया और 4 का डबल 8 लिख दिया। लीजिए काम खत्म, क्यूब रूट आने वाला है। और आपने लाइन खींची, यहां लिख दिया 8, 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी चला गया, 1 यहां पे आ गया, तो 2 और 1 3 और 1 7 4 3 7, और ये 1 लीजिए, 1 7 2 8 इज द क्यूब ऑफ 12, आंसर आ गया। अब आपको 13 का क्यूब निकाल के दिखा देते हैं। तो देखिए 13 का क्यूब निकालना है आपको, तो 13 का क्यूब लिखा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखा 1, उसके बाद लिखा 3, उसके बाद लिखा 9, और इसके बाद लिखा 27, 1 3, और 3 का स्क्वायर 9, और इस 3 का क्यूब 27। उसके बाद आपने इन नंबर्स का डबल करके लिख देना है, तो 3 का डबल होगा 6 और 9 का डबल होगा 18, आपने ये कर दिया, सिंपली ऐड कर देना है। जब आप यहां पे ये ऐड करेंगे तो देखिए ये 27 को नहीं लिखेंगे, आप यहां पे 7 लिखेंगे और 22 तो यहां कैरी चला जाएगा, तो 18 और 2 20 और 9 29 का 9 लिख लेंगे, और ये 2 यहां पे कैरी चला जाएगा 29 का, तो ये 2 यहां पर आएगा, 3 और 2 5, 5 और 6 11, तो ये 1 कैरी आ जाएगा, 2197 इस क्यूब ऑफ 13 आ गया। अब आपको 19 का क्यूब सिखा देते हैं। तो देखिए 19 लिखा आपने, 19 का क्यूब, तो आपने लिखा 1 9, उसके बाद स्क्वायर किया, 9 9 81, और फिर 9 का क्यूब करना है, तो 9 9 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9 और 9 8 72 729। ये तो बहुत आसान काम है, जल्दी से कर लेंगे। उसके बाद आप 9 का डबल करके लिखिए, 18 आ गया 9 से, और 81 का डबल आ जाएगा, इसका डबल 1 का 2 और 8 का 16, 162, ये 162 आ गया। उसके बाद आपने लाइन खींची, बस यहां पे आप एडिशन करना है, एडिशन करना बहुत सिंपल सा काम है। आप देखिए एक्सट्रीम की डिजिट लेंगे, 9 लिख लेंगे, कैरी क्या ले जाएंगे 72, तो 72 यहां लिख के ऐड कर दीजिए, इसको पूरे को, पूरे नंबर को ऐड करिए, क्या आएगा भाई ऐड करके, देखिए 2 और 1 3 3 और 2 5, मैं यहां लिख रहा हूं 2 और 1 3 3 और 2 5, उसके बाद देखिए 7 और 8 15, 15 और 6 21 का 1 कैरी 2 आया, 2 और 1 3, तो ये जो 315 आया ना, इसको यहां लिख लीजिए, इसमें से आप 5 को लिख दीजिए, और ये 31 फिर कैरी आ जाएगा यहां पे, 31 यहां लिख दिया, तो 31 और 9 40 40 और 18, कितना हुआ 40 और 18 58, 58 को यहां लिखा, ये टोटल आया इनका 58 में से 8 यहां लिख लिया, 5 कैरी कर लिया, तो 5 और 1 6 6 8 5 9 इज क्यूब ऑफ 19 होता है। आइए कुछ और नंबर का क्यूब देखें, जैसे देखिए 21 31 41 51, इन सब में एक डिजिट 1 आ रही है,
ट्राई करते हैं, देखिए कैसे करना है। आपका ऑपोजिट हो गया 21, तो 12 में 1 पहले था, 2 बाद में था, यहाँ पे 21 में 2 पहले है, यूनिट प्लेस पे 1 है 21। अगर आप कहें 13, तो 13 से रिवर्स में आएगा 31, 14 से आएगा 41। तो हमने जो पहली कंडीशन सीखी उसमें जब हम 13 लिख रहे थे, 13 में 1 से शुरू करते थे, यहां पे देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब आप यहां लिखेंगे 21 का क्यूब निकालना है, तो 2 और 1, तो आप ये ना वेन राइट की तरफ लिखेंगे, जो जब हम अगर 12 का क्यूब निकाल रहे थे तो 1 को यहां से लिखना शुरू करते थे, हम लिखते थे 1 2 4 8 इसका स्क्वायर करके इस ऑर्डर में। लेकिन जब हम ये 21 लिख रहे हैं तो 21 के रिस्पेक्ट में आप क्या लिखेंगे, 2 2 4 2 8, उसके बाद लिखेंगे स्क्वायर 4, उसके बाद लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 1, मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर लिख देंगे। की तरीका तो वही है बिल्कुल। तो देखिए आप इन दोनों नंबर्स में एक्सट्रीम के नंबर्स को छोड़ देंगे और इनका डबल लिख लेंगे, 4 का डबल होगा 8, 2 का डबल होगा 4। सारी टेक्निक वही है, आपने लाइन खींच दी, इसको ऐड करा 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 9 2 6 1 आंसर आ गया। 41 का क्यूब निकाल के देख लेते हैं, 41 का क्यूब निकालना है, तो आपने लिखा यहां से शुरू करना है जैसा मैंने बोला था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यूब लिखते हैं, तो 4 4 4 64, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 लिखा और फिर 1 लिखा, इस ऑर्डर में लिख लिया, इसके बाद इन मिडिल नंबर का डबल कर दिया, तो 16 2 32, 4 2 8, इसके बाद इनको सिंपली ऐड कर दिया। इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखा, 8 4 12, अब 12 में देखिए जो ये 12 आया इनका एडिशन, इसमें से 2 यहां लिख लिया, 1 को कैरी कर दिया, 1 को कैरी करा, तो इनको ऐड करा, 6 और 1 7, 7 और 2 9 ये आया, और 3 और 1 4 49 आया, इस 49 में से 9 लिख लिया, 4 को कैरी कर दिया, 4 और 4 8 और 64, ये 68 और 6, तो ये आ गया 68, तो 6 8 9 2 1, 41 का क्यूब आ गया। इस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए जो कि 2 डिजिट नंबर है, हम एक टेक्निक यूज करते हैं, एक फॉर्मूला का तरीका यूज करते हैं, वो देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे कि 2 डिजिट नंबर है AB, तो AB का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले पहली टर्म का क्यूब लिख लिया, फिर दूसरी टर्म जो यहां पर स्टेप लिख रहे हैं उसमें पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरा टर्म ऐसे ही लिख लिया, उसके बाद AB में सेकंड टर्म का स्क्वायर और पहला टर्म ऐसे लिख दिया और बाद में सेकंड टर्म का क्यूब लिख दिया। अब आपके सामने कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जैसे कि 42, जिसका आपको क्यूब निकालना है, इसमें ना 1 है ना इन यूनिट प्लेस पे ना सेकंड प्लेस पे, कोई भी नंबर है जो कि 1 के रिलेशन में नहीं है, तो देखिए आपने लिखा 42 और 42 का क्यूब करना है आपको, तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले टर्म का क्यूब करिए, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, उसके बाद 4 स्क्वायर इंटू 2 16 इंटू 2 32 आ जाएगा, उसके बाद आप देखिए B स्क्वायर 2 2 4 इंटू 4 16 आ जाएगा और फिर वो B का क्यूब आ जाएगा 8। ये आपने इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू रख के निकाल दिया, उसके बाद आप फिर अपना यूजुअल तरीका अपनाइए, इसका डबल करिए तो ये 64 आएगा, इसका डबल करिए तो ये 32 आएगा, और अब बस इनको ऐड कर दीजिए, तो ये 8 आ जाएगा, अब इनको ऐड करिए, 6 और 2 8, 3 और 1 4, तो ये 48 आया, तो 48 में से 8 लिख दिया, 4 कैरी कर लिया, अब इनको ऐड किया तो ये 4 4 8 2 10, 1 कैरी किया, 6 4 10, 100 आया, तो 100 में से 0 लिख लिया, 10 कैरी कर दिया, 10 और 64 74, तो 7 4 0 8 8 क्यूब आ गया 42 का। किसी भी नंबर का इस तरह से क्यूब निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।